हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज हम निकल रहे हैं। यहाँ के बहुत एक फेमस मंदिर है और एक जगह है, वो है बॉडोआ बोल के, और महामृत्युंजय मंदिर है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। एक्चुअली माइग्रेशन में जो स्टूडेंट आए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे स्कूल में, उनको लेके कल्चरल टूर करना है, तो मैं ही एस्कॉर्ट हूँ। मैं उनको लेके जाऊँगी और ख़ुद भी इंजॉय करूँगी, और मेरे साथ जा रहे हैं काउंसलर मैडम और विपुल दास सर, TGT हिंदी सर। तो हम तीनों मिलके और 24 स्टूडेंट्स हैं, सब मिलके जाएंगे। आज रविवार है और टूर करने के लिए जा रहे हैं, तो बस आएंगे 8 AM को और हम निकलेंगे। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हमारी मेस में, JNV के मेस में पूरी और सब्जी बनती है, तो वो खा के ही मैं बोल के रखी थी कि थोड़ा आगे खा लो ताकि हम 8 बजे ही निकल सकें। तो अभी ऑलमोस्ट 8 AM होने वाले हैं और हम निकलेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ आप भी आसाम के इस फेमस जगह की मजे लीजिए। कैसी थी पहले, अब कैसी हूँ मैं, तू ना जाने, तू ना जाने। आहिस्ता आहिस्ता तेरी हुई क्यों ना माने। इसका चश्मा दे दो। मुझे चश्मा दे दो। चश्मा मैम को दे दो। तुम लोग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आ रही हूँ, आ रही हूँ तुम लोग के पास। कहाँ जा रहे हो? पहली बार घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू। सेल्फी अभी नहीं लेनी।
अच्छा ब्रेकफास्ट करके आए हो ना? कहाँ गए वो ड्राइवर से? गाइस ये सब हम लोग के पता नहीं कौन कौन है, वैसे क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सब हैं।
तो हम लोग कुछ दिन बाद जाने वाले हैं यहाँ से। अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए नौगांव। हम लोग को ज़्यादा दिन यहाँ से छत्तीसगढ़ जाने के लिए नहीं बचा है, 15 दिन में हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग घूमने जा रहे हैं थोड़ा यहाँ का कल्चर देखने। साथ में काउंसलर मैम भी है, साथ में काउंसलर मैम, केमिस्ट्री मैम और हिंदी सर भी है। बिल्कुल सर, मैम बहुत अच्छी है, सब बच्चे भी अच्छे हैं। तालियां दो। आओ कोई गाँव में हम लोग को फ्लॉप करो, आप करो देवसाय तो फ्लॉप कर देगा, देवसाय हो जाए। ये कैमरा ठीक है विपुल सर, कुछ बोलिए। बहुत मजा आया, अभी भी इधर है मजा आ रहा। पूछ ले बूढ़ा देव, बूढ़ा देव छत्तीसगढ़ी है गुरु, हमारे ऊपर बूढ़ा देव कैसा है, हमारे लिए तो बूढ़ा देव ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। और तू लोग कुछ बोलना चाहते हो तो? आप कुछ बोलिए। कुछ बोलो। ये सबसे बड़ा हीरो है हमारे गैंग का, विलन हरीश भाई। इधर प्रिंस है जो सो रहे हैं, और ये साहिल और रनुक बैठे हैं पहले। साहिल ड्राइवर अंकल हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। हेलो गाइस, जा रहे हैं घूमने के लिए कहीं। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मंगल है, ये मैं है, सब कोई को दिखाता है, निखिल है, और ये प्यांसु है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। राजनाथ इधर आए बोल दे मैम लोग बना। सूरज हाँ अभी उतरे हैं बस से, और थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा, फिर पैदल चल के फिर मंदिर में जाएंगे, और सारे बॉयज गर्ल्स दोनों एक साथ जा रहे हैं।
पेयर में एक एक पेयर जैसे दो दो करके, और सामने है विपुल सर और पीछे है गुंजन मैडम। से 5 मिनट तक चल के ही मंदिर आ जाएगा। ये थोड़ा बाजार इलाका है और ये सामने दुकान भी है, कुछ कुछ चीज़ें रखा हुआ है, बैग ये सब, और पूजा देने के लिए ये फल की सामग्री जो है वो भी रखा है। यहाँ पे बिक रहा है पूजा का कुछ सामान, अगर किसी को चाहिए पूजा देना है तो। ये मंदिर के सामने दुकान है, यहाँ से फोटो ये सब खरीद सकते हैं। और ये आ गया मंदिर, मंदिर का गेट, मैडम जा रही है। ये जो है आसाम की सिंबलाइज कुछ ऐसा है, ये जो सम्मान देते हैं लोगों को, सब जगह ही रहता है। ये फल है, यहाँ पे देखिए फूल से सजा हुआ है गेट। इधर देखो, मैम से साथ बनाएंगे, आप भी आएंगी। मैं आ रही हूँ बीच बीच में। ये विपुल सर गाइड हमारे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, नया जगह है। आज का सफाई अभियान है शायद ना? अच्छा, क्या स्वच्छ भारत अभियान? अच्छा हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। मंदिर के अंदर आ गए हैं हम, और उधर घाट भी दिख रहा है। एक्चुअली ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग है एशिया में। ओए, आगे बस बात में। कौन मैम? अभी फोटो सेशन, फोटो सेशन के लिए सब रेडी हो रहे हैं। ये साहिल स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा है फोटो के लिए। सेल्फी। हाय फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं बोरडोआ बोल के एक जगह में। यहाँ पे एक मंदिर ही है ये, और थोड़ी देर पहले हम आए हैं तो चारों तरफ बहुत हसीन नज़ारा है। देखिए पीछे एक ऐसा पोडियम है और ऐसा भी है, शायद कुछ कीर्तन ऐसा कुछ होता होगा। तो हम यहाँ पे बहुत एंजॉय किए और फोटो सेशन भी किए हैं, और बच्चे लोग यहाँ पे अभी भी फ़ोटो सेशन चल रहा है उनका, सेल्फी जोन, और जो भी है वो सब कहीं पे भी बना लेते हैं जोन। और कुछ लोग गए हैं इधर उधर घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, और मेरे साथ जो मैडम है, काउंसलर मैडम है, विपुल सर है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छा जगह है, वाइट एरिया है, तो घूमने के लिए अच्छा है संडे को या कोई भी हॉलीडे को। तो ये देखिए पीछे ये लोग खींच रहे हैं फोटो मोटो। विपुल सर भी बहुत कुछ जानते हैं यहाँ के। सर, ये विपुल सर है, पीजीटी हिंदी सर, बंगाली है,
सर आपका घर मोरीगावासम में ही। मोरीगावासम बहुत अच्छे सर है। और ये सर यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं ना आप? मैं आ चुका हूँ। इस जगह तो बोलिए ना किस जगह के बारे में। तो ये मंदिर है क्या? हम मंदिर कह सकते हैं, मतलब यहाँ शंकर देव का वो मतलब बड़ा मतलब आसाम के लोग मानते हैं यहाँ के, मतलब यहाँ का शंकर देव के नाम पर ही है। अच्छा, और ये लेक ये क्या है? ये आकाशी गंगा कहते हैं। आकाशी गंगा? हाँ, आकाशी गंगा। ओ, नाम सुने हैं तो। वाह, फोटो सेशन हो गए ना, चलो। आकाशी गंगा देखिए कितना सुंदर पानी है, और कुछ कुछ लोग प्रणाम भी कर रहे हैं पानी में। ये आकाशी गंगा है। मछली ये आकाशी गंगा है इसका नाम। बहुत ठंडा ठंडा हवा भी है और पानी भी अच्छा है। ए, चलो जाओ। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के थोड़ा खा पी रहे हैं और पूजा भी दिए होंगे। चल आगे बोलो, आगे आगे बड़ा बड़ा मछली निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी जूता खोलना पड़ेगा। अभी हम जाने वाले हैं इस मंदिर में, देखते हैं। ये हमारे केमिस्ट्री मैम, एक काउंसलर मैम है। अभी चलिए मैम, चलते हैं अब अंदर। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस, कुछ इस प्रकार देख सकते हैं आप। इधर इधर ये है हमारे सीजी स्टूडेंट्स। अभी आए रहे काउंसलर मैम, केमिस्ट्री मैम।
अब देखते हैं अंदर का कुछ, सामने ये सब है। यही है हमारे लिए भी न्यू प्लेस ही है। यस मैम। अरे मत करो खिलवाड़ नहीं। मैम अभी अनु किसको दीजिए, शक्ति ने रोका, प्रवेश करने नहीं दे रहा। हमें अभी मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, तुम क्या होते हैं। ये हमारे विपुल सर मुस्कुराते हुए, काउंसलर मैम आ रही हैं। ये है मंदिर का एंट्रेंस, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, सामने मंदिर टाइप से कुछ है। क्या है सर यहाँ पर? ही वहाँ पर शंकर देव का जन्म स्थान है। यस सर, यहाँ पर जन्म हुआ था शंकर देव का। इसमें पूरा आसमान के जितने भी वहाँ पर क्या है महापुरुष है। यस सर, सर यहाँ के महापुरुषों का स्मृति चिन्ह टाइप, इस टाइप से बोल सकते हैं। जन्म स्थल है इसमें। ये हमारे पंडित जी यहाँ के साथ मना कर रहे हैं जाने से, आगे अंदर जाने से मना कर रहे हैं कुछ इस प्रकार है। यहाँ के एक महापुरुष थे, उन्हीं का याद पे जन्म स्थल बना हुआ है। पहले अब कैसे हूँ मैं, तू ना जाने, तू ना जाने। आहिस्ता आहिस्ता तेरी हुई, क्यों ना माने, तू क्यों ना माने। तुमसे जो मिल गए मौसम खिल गए, खुद से लड़ने लगे हम सवरने लगे। बोलो यार कुछ। ना मतलब 24-26 गया है पीछे। एक बार टलर लेके आओ ना, तो डर के 37 था। गाइस हम लोग आहार होटल में आ चुके हैं, ऑर्डर दे दिए हैं गाइस, अभी आने वाला होगा। इधर मैम लोग भी आ चुके हैं। मैम काउंसलर मैम भी आ गए हैं। बाहर से आना, ये रास्ता है ना। ठीक है खाना? मछली नहीं खाते बोलो, चौक चिकन खाते हैं। दोनों मछली है। हाँ दोनों मछली। चिकन लाए। चिकन नहीं दे दीजिए।
बताइए फिश थाली में क्या क्या है? मैंने फिश करी मंगवाया है, रोहू मछली है, ये दाल है, ये भी दाल है, दोनों दाल का टाइप है, एक मूंग है, एक राहर दाल होता है, ये सब्जी है, ये पकौड़ा, नींबू, सैलड, चावल, ये भाजी, अचार है ना? ये क्या है? ये भुट्टा। भुट्टा? चटनी का। चना सब्जी का। चना सब्जी। चट्टू। हाँ चट्टू है। ये क्या है? कुशा। वाव, बहुत टेस्टी है। खाना ठीक है? कैसी थी पहले अब कैसी हूँ मैं, तू न जाने तू न जाने। आहिस्ता आहिस्ता तेरी हुई, क्यों न माने तुमसे जो मिल गए, मौसम खिल गए, खुद से लड़ने लगे हम सवरने लगे। कैसी थी पहले अब कैसी हूँ मैं, तू न जाने तू न जाने।